अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरुज से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बूटस्ट्रैप का है, वो है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या है। बूटस्ट्रैप जो ग्रिड सिस्टम है, ये हमारे वेब पेजेस या हमारे जो वेब पेज होता है उसको एक पेज को 12 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव कॉलम्स के ऊपर ये इसको डिवाइड करते हैं। इन 12 कॉलम्स को आप इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इनको इंडिविजुअली यूज़ नहीं करना चाहते तो इनको कंबाइन करके आप एक जो सिंगल कॉलम है वो वाइडर क्रिएट कर सकते हैं। और आप इनको इक्वल कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और अनइक्वल कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास 12 कॉलम है तो हम इनको थ्री कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनको 4-8 यानी कि 2 अनइक्वल कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। 6-6 2 इक्वल कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिव होता है और इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो रीअरेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो इस तरह से है कि हमारे पास इसमें ये 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है, जिसको हम हर कॉलम को स्पैन बोलते हैं। स्पैन 1, 2, 3, 2 स्पैन 12। तो हम इनको अगर इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो हम इनको स्पैन 4 इक्वल कॉलम से डिवाइड कर सकते हैं। स्पैन 4-8 टू वन इक्वल कॉलम है, 6-6 टू इक्वल कॉलम्स और स्पैन 12 यानी कि सिंगल कॉलम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 12 कॉलम्स आ जाएंगे। हमारे पास जो बूटस्ट्रैप में जो ग्रिड सिस्टम है, इनके डिफरेंट क्लासेज हैं। जो 4 क्लासेज हैं, मीडियम डिवाइसेस के लिए हैं, लार्ज डिवाइसेस के लिए हैं, स्मॉल डिवाइसेस के लिए हैं और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए। इसमें जो हमारे पास MD क्लास है, ये स्मॉल लैपटॉप्स के लिए यूज़ की जाती है, जिनकी स्क्रीन साइज़ या तो 992 पिक्सल्स के इक्वल होती है या उससे ग्रेटर होती है। जो हमारे पास XS क्लास है, इनको हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो इनकी जो स्क्रीन की विड्थ जो है वो हमारे पास होती है लेस देन 768 पिक्सल। SM क्लास को हम यूज़ करते हैं फॉर टैबलेट्स के लिए, यानी कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए, जो जिनमें स्क्रीन जो है वो इक्वल आती है हमारे पास 768 पिक्सल और इससे ग्रेटर। इसी तरह जो LG क्लास है, वो यूज़ करते हैं लार्ज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, मींस लैपटॉप्स के लिए या डेस्कटॉप के लिए LG क्लास को यूज़ करेंगे, और इसमें जो स्क्रीन जो है वो इक्वल होगी हमारी 1200 पिक्सल और इससे ग्रेटर। इन क्लासेस को हम कंबाइनली भी यूज़ कर सकते हैं मोर फ्लेक्सिबल और डायनेमिक लेआउट्स क्रिएट करने के लिए। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। इनको बूटस्ट्रैप जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इनके इन रूल्स को माइंड में रखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट रूल है हमारे पास, जो बूटस्ट्रैप है इसको यूज़ करते हुए, हमारे पास जो फर्स्ट जो रो है वो कंटेनर क्लास जो है उसमें प्लेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी डेव होगी उसमें हम क्लास देंगे कंटेनर को या कंटेनर फ्लूइड को। कंटेनर जो है वो फिक्स विड्थ कंटेनर है और फ्लूइड जो है वो फुल विड्थ कंटेनर आ जाता है, जिसमें हम प्रॉपर अलाइनमेंट और पैडिंग यूज़ कर सकते हैं इन क्लासेस को यूज़ करते हुए। द वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगी क्लास, वो है रो क्लास, जिसमें हम एक रो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स ऑफ कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग रो क्लास को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम कॉलम क्लासेस को यूज़ करेंगे, जैसे हमने अभी मीडियम लार्ज स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल क्लासेस पढ़ी हैं, उनको हम फिर रो क्लास के अंदर प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास जो हैं, जो हमारा जो कंटेंट है वो कॉलम्स के अंदर प्लेस होना चाहिए और उन कॉलम्स को हमने इमीडिएटली चिल्ड्रन ऑफ रोज बनाने हैं। हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस भी हैं बूटस्ट्रैप को क्विकली इम्प्लीमेंट या उसके जो लेआउट है ग्रिड लेआउट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें हमारे पास रो क्लास है और डिफरेंट कॉलम्स हमने जो देखे हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो कॉलम्स होते हैं वो उनमें जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास उसमें जो है एक गैप एग्जिस्ट करता है पैडिंग के थ्रू, यानी कि जो कॉलम्स हैं क्रिएट गटर्स, यानी कि उनमें जो हमारे पास गैप आ जाएगा बिटवीन कंटेंट एंड कॉलम, कॉलम और कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस आएगी वो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन हमारे पास जो पैडिंग है, जो रोस में जो पैडिंग आएगी वो हमारे पास एज अ ऑफसेट जो है वो किसी एक रो की आ जाएगी, जिसको जो फर्स्ट और जो लास्ट कॉलम है उसमें वो नेगेटिव मार्जिन के थ्रू हैंडल होगी।